ओबीसीटी के लिए करा रहे बीसी। ओबीसीटी के लिए भी क्या साइंटिफिक इफेक्टिव एक्सरसाइज करवा, लंबे लंबे श्वास। जिनको ओबीसीटी नहीं है वो भी 10-20 मिनट ऐसे व्यायाम तो अवश्य ही कर ले। लंबे लंबे श्वास, एकाग्रता से कर। एक बार सुबह सबको पसीना बहाना है, ये लाइफ का, हेल्दी लाइफ का, स्वस्थ और दीर्घ जीवन का ये सूत्र है। जिनको मोटापा है वे 25-25 बार करके अभ्यास को 100 बार किया, फिर 3 से 5 राउंड कर लिए, मोटा पर नहीं मिल सकता। जिद ही रखो अपने भीतर, एक संकल्प रखो अपने भीतर, रोग मेरा स्वभाव नहीं, ये मोटापा, ये बीपी, शुगर, ये थायराइड, ये गैस, एसिडिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज। लंबे लंबे श्वास भरो और 10-10 बार तो सब कर लो, मोटे नहीं हो तो भी कर लो, पूरी एकाग्रता पर। सुमिरन भजन करो साहिब को, सुमिरन भजन करो साहिब को, जास जीव सुख पावे, सुमिरन भजन करो साहिब को, जास जीव सुख पावे। कहे कबीर पग धरे पंथ पर, सुमिरन भजन करो साहेब को, जासे जीव सुख पावे। कहे कबीर पग धरे पंथ पर, कहे कबीर पग धरे पंथ पर, जम के गण न सतावे। अब सर बार बार नहीं आवे, अब सर बार बार नहीं आवे, जो चाहो सो कर ले भलाई, जो चाहो सो कर ले भलाई, जन्म जन्म सुख पावे। अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। थोड़ा थोड़ा आया पसीना, पसीना नहीं आया होगा तो थोड़ा तो हिला ही होगा कुछ तो। देखो माथे से लेकर के और यहाँ पेट तक, पीठ तक, ऐसे पसीना एक बार पूरा टपकना चाहिए। जिसको ऐसा कर लिया ना कार्यक्रम, तो ये 100 साल जवान रहने का, युवा रहने का, युवती रहने का, यंग रहने का, एवर यंग रहने का मंत्र। पर समझी सुबह सुबह पसीनो, वो भी दिसंबर जनवरी में, अभी तो 100 ग्राम निकल रहा है, अभी जून आते आते तो आधा किलो निकालूं, कितना? आधा किलो। मैं रोज 1 किलो वेट कम करता हूं अपना, आधा से 1 किलो गर्मी में, और अभी करीब 250 ग्राम। फिर दिन में खाते पी, दूध पी लेते हैं, फिर पूर्ति हो जाती, और तुम्हारा फिर वापस बढ़ने नहीं देता तुम्हारा चुग्गा कम कर देता हूं, तुम्हारा चटोरापन कम कर देता। चलो ऐसे करो, पूरे अभ्यास है ना। अब ऐसे करने में देखो थोड़ा जोर पड़ता है, पूरा जाओ, थोड़ा जाओ, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाओ और पूरे जाओ जो पूरे जा सकते हैं।
जिनको और ही ज्यादा कम करना है सिक्स पैक बनाने हैं, कुछ बोला ही नहीं। बोले स्वामी जी कहा सिक्स पैक, या तो वैसी पैकिंग हो रखी है जाने की। देखो हाथ ऐसे रखो ऐसे। गाड़ी पलटी नहीं खानी चाहिए, कुछ आगे पीछे जाते हैं ना तो यहां से उड़ जाती है। बनी वाह, छोटे बच्चे तो कर रहे हैं। लोग पैर फंसा के कर लेते हैं, हमने फंसने वाला कार्यक्रम ही बंद कर रखा है, ना फंसना ना फंसाना। ये फंसाना भी बड़ा खतरनाक है, दुनिया में जिसको देखो वही फंसने फंसाने में लग रहा है। मुक्त रहो, क्या रहो बोलो, मुक्त रहो, उल्टे लेटो, मुक्त रहना। लंबे लंबे श्वास, जीवन मुक्त रहना, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, दुर्गुणों से, दोषों से बचे रहना। 10-20 बार ऐसे करो, धीरे धीरे, कमर में दर्द है तो और धीरे धीरे, ऐसे ऐसे 10-20 सेकंड में एक बार होगा। एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस वालों का पूरा शिविर लगाने वाला हूं, पूरा देश टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, उल्टे उल्टे रास्तों पर चल रहा है, 25-25, 50-50 हजार का एक एक इंजेक्शन लगा लगा करके अपने शरीर को जहरीला बना रहा है। एक राजीव भाई, शायद राजीव ही है, कल मिला मेरे से, बोले जी MND था अभी, 25% तो ठीक हो गया, 25-30%। कहा हूं राजीव, कल जाने वाला है। राजीव भाई बुजुर्ग हैं, उनकी पत्नी बड़ी खुश है, बेटा भी साथ में आए थे, इधर ऊपर भेज दो उनको, नहीं तो ऊपर ही जाने वाले थे। MND वालों के लिए तो बड़ी उल्टी सीधी मान्यताएं, पूरा परिवार आया हुआ है, 2 सप्ताह से ठहरे हुए थे, बोले जी अभी थोड़ा दौड़ लगवा दो। मैंने कहा सीधा सीधा चलना तो सीख गए, अभी दौड़ भी लगा लोगे। लंबे लंबे श्वास ऐसे, 25% फायदा होना, वो भी 57-60 साल की उम्र में MND के अंदर, ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है सब कार्यक्रम। अब फास्ट करना है तो कैसे करना, ऐसे ये जवानों के लिए फास्ट वाला, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वालों को ऐसे 25-25 बार, 50-50 बार, कमर दर्द वालों को धीरे धीरे 10-20 बार, जिससे जितना हो पाए। अब दोनों हथौड़ी के नीचे 12 अभ्यास, अभी OBCT के लिए बता रहे हैं, और OBCT वालों को ऐसे लगे रहना धुन, लगन के साथ, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कर्म। क्या है बोलो, जीवन का सबसे बड़ा सत्य कर्म, पुरुषार्थ, हार्डवर्क। इसको थोड़ा और परिभाषित करता हूं, प्रचंड कर्म, प्रचंड पुरुषार्थ, अखंड पुरुषार्थ। थोड़ा और इसको परिभाषित करता हूं, ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में ही स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय सब कुछ सन्निहित है। क्या बोला, ज्ञान श्रद्धा। देखो इधर है दिमाग, इसमें होता है ज्ञान, विवेक, समझ, और इधर होती है हृदय में भावना, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, और इन दोनों के बीच में यह हाथ, यही ज्ञान योग है। इस दिमाग से ठीक से काम लो, हृदय में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास रखो, ये भक्ति योग है, और कर्म कर लो।
चलो करो। ये कितनी बार करना है ऐसे, जिनसे ये नहीं हो पा रहा है कार्यक्रम, वे भस्त्रिका कपाल भाति अनुलोम विलोम सूक्ष्म मैम के साथ कर लो, एक्सरसाइज जरूरी है। जिनसे नहीं हो पाए ज्यादा तो बीच बीच में थोड़ा ऐसे मकरासन में ऐसे या ऐसे थोड़ा विश्राम कर लो। फिर सर्वासन, जैसा हम चाहें जीवन को आकार दे सकते हैं, जैसे चाहो वैसे बॉडी को शेप दे लो। बॉडी की अच्छी से बॉडी अच्छी लगती है, मेरी भुजाएं ऐसी होनी चाहिए, मेरी जंघाएं ऐसी होनी चाहिए, मेरी ब्रेस्ट चेस्ट कमर पेट पीठ कुल्ले ऐसे होने चाहिए। किसी किसी के कुल्ले पूरे सफाचट और किसी किसी के अरे राम 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 कहने की जरूरत नहीं, दूर से ही दिखते हैं 20-20 किलो के। और वो भी देखो मेरे भाई, हम यहां प्रदर्शन के लिए बात नहीं कर रहे, लेकिन जीवन दर्शन तो हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारी हेल्थ, हमारी फिटनेस, हमारे जीवन में सक्सेस, हमारे जीवन में हैप्पीनेस ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। अरे भाई हेल्थ हो तो ऐसी, फिटनेस हो तो ऐसी, सक्सेस हो तो लाइफ में ऐसी, हैप्पीनेस हो तो ऐसी। लंबे लंबे श्वास ऐसे, चलो अब सीधे लेट जाओ, एक एक पैर से या दोनों पैरों से लंबे लंबे श्वास। जिनको मोटापा है उनको कितनी बार करना है, 100-100 बार करके 3-5 राउंड तो हो जाएंगे उनके 5 राउंड में करीब 5,000-6,000 बार। तब कोई ऐसा हो नहीं सकता कि मोटा व्यक्ति रह जाए। ओबीसीटी का मैं दुश्मन हूं, बैरी हूं, मेरा बैर है रोगों से, विकारों से, दोषों से, दुर्गुणों से, दुर्बलताओं से, असुरत्व से, असत्य से, झूठ से, सत्य में बचाए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिरभवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यं अपघ्नन्तो अरावणः। तुम्हारा जन्म ही सत्य धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हुआ, एक एक पैर से दोनों पैरों से ऐसे ये अर्धालासन करना, जिससे जितना बन पाए, फिर पादवृत्तासन एक एक पैर से। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ करना। और देखो जीवन के सत्यों के ऊपर ही आज पहले मैं बात कर रहा हूं, स्वास्थ्य तो उसके अंदर अंतर्निहित सत्य है, हेल्थ हैप्पीनेस वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, ये तो तुम्हारा स्वभाव है। मेरे साथ बोलिए स्वास्थ्य समृद्धि
ऐश्वर्य सुख शांति आनंद अनंत प्रसन्नता अनलिमिटेड हैप्पीनेस हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी सक्सेस ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी मूल प्रकृति है, यही हमारी संस्कृति है, बाकी सब विकृति है। देखो सम्यक मति सम्यक भक्ति सम्यक कृति सम्यक संस्कृति सब प्रकार की प्रगति स्वास्थ्य सुख सफलता प्रसन्नता आनंद उत्साह निर्भयता ये तुम्हारा स्वभाव है। एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाना। रोग हमारा स्वभाव, दुख दुर्भाग्य हमारा स्वभाव, बस इसके लिए क्या करना पड़ता है? कर्म करो। क्या करो बोलो? कर्म करो। पीछे एक बालक बड़े जोर से बोला, कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है। बड़ा शून्य बनाते रहे और कर्म जब अच्छा होगा तो कहते हैं कि जिंदगी में आदमी की किस्मत भी साथ देती है। तो जब कर्म तुम्हारा अच्छा होगा, कर्म को संस्कृत में बोलते हैं पुरुषार्थ और भाग्य को बोलते हैं प्रारब्ध। जब पुरुषार्थ तुम्हारा अच्छा होगा तो प्रारब्ध भी अच्छा हो जाएगा। कुछ समय के बारे में भी बातें करते हैं। बोला भाई इसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा और इसका टाइम अच्छा चल रहा। बोले समय समय की बात है, जगत में समय बड़ा बलवान। बड़े भजन भी इसके ऊपर बने हुए हैं, संस्कृत में भी बड़े बड़े सूत्र मंत्र इसके ऊपर है, पूरी दुनिया में इसके ऊपर बातें होती है। भाई उसको कहीं प्रारब्ध बोलते हैं, कहीं उसको भाग्य, कहीं किस्मत, कहीं उसको डेस्टिनी बोलते हैं। जुबान अलग हो सकती है, भाषाएं लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बात सभी कहते हैं। तीन सत्य आए तो मेरे साथ बोलो, पुरुषार्थ प्रारब्ध समय, ये तीनों तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत पुरुषार्थ से होगी। जिसका पुरुषार्थ अच्छा होगा उसका प्रारब्ध भी अच्छा हो जाएगा, उसका समय भी अच्छा होगा। ऐसे बड़ा शून्य बना रहे हो ना। सोने वालों को कुछ नहीं होता है, इसलिए मैंने जागरण के गीत गाए। चलो भाई हरि जी सुना। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा। लंबे लंबे श्वास, साइकिलिंग दोनों पैरों से कर लेना या एक एक से कर लेना, 100 बार तक कर लो। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग्य रे। उठ जाग भारत जाग रे, भारत त्याग रे, आलस निद्रा त्याग रे। चलो भाई करवट लेके बैठ जाओ।